में हम लोग ने देखा था स्टैंडर्ड्स, आईटीयू तक हमारा हो गया था, अब हम लोग देखेंगे आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स किसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और किसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाता है ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखते हैं। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन वाइडली नोन एज आईएसओ इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी कंपोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन 23 फरवरी 1947। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया, जनरली बहुत सारे नेशनल स्टैंडर्ड्स को नजर रखने के लिए बनाया गया। मान के चलो जैसे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे बनाया गया था ये। ठीक है, कब बनाया गया था? 23 फरवरी 1947, जब इंडिया आजाद हुआ था उसके पहले ही ये बनाया गया था। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोमलगेट्स वर्ल्ड वाइड प्रोप्रेटरी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडर्ड। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन जेनेवा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। और यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जनरली जितने भी प्रोप्रेटरी इंडस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, जो जैसे कि पार्टनरशिप में जो चलते हैं, 3 लोग के 4 लोग के पार्टनरशिप में जो चलते हैं, उनके लिए ये जो स्टैंडर्ड्स वो बनाया गया था, इसी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए अपनी सर्विसेज देते हैं और जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, वाइल आईएसओ डिफाइंस इटसेल्फ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एबिलिटी टू सेट स्टैंडर्ड्स दैट ऑफन बिकम लॉ ईदर थ्रू ट्रीटीज और नेशनल स्टैंडर्ड्स मेक्स इट मोर पावरफुल देन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इन प्रैक्टिस आईएसओ एक्ट्स एज ए कंसोर्टियम विद स्ट्रॉन्ग लिंक्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, आईएसओ स्टैंडर्ड जनरली एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एबिलिटी है, जो भी अगर स्टैंडर्ड्स बनाना चाहे, ठीक है, तो उसको कानून के साथ मिलके वो काम करता है। जो भी स्टैंडर्ड्स बनता है वो एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वो क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई भी सर्टिफिकेशन है, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल सर्टिफिकेशंस होते हैं, या फिर जो कंपनीज होती है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, वो अपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पब्लिक को कुछ फायदा देने वाले कंपनी होते हैं, जैसे कुछ प्रोडक्शन वाली कंपनी, ठीक है, या कोई ऐसी कंपनी जो कुछ सर्विस दे रही है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, जैसे कॉलेजेस होते हैं, वहां पे देखना कि लिखे रहता है आईएसओ सर्टिफाइड। ठीक है, अगर मैं उसका दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आईएसओ सर्टिफाइड लिखा होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, सर्टिफिकेशन या फिर इस टाइप का हम लोग को लोगो देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो आईएसओ सर्टिफाइड होता है 9001 आर्टिकल नंबर 2 2015। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर होता है और यहाँ पे जो होता है 2015 में उसको सर्टिफाइड किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप का सील सिग्नेचर होगा, बहुत सारे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं उसमें लगा होता है पहले से। ठीक है, तो ठीक है, इस टाइप का लोगो लगा होता है और यहाँ पे 9001 जो है वो आर्टिकल नंबर है और यहाँ पे 2015 मतलब जिसमें उसको आईएसओ सर्टिफाइड मिला है, ठीक, वो ईयर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो आईएसओ जो सर्टिफाइड होता है वो बहुत सारी कंपनीज को दिया जाता है। अब बहुत सारी कंपनीज को इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, मतलब एक क्वालिटी मेंटेन किया जाता है। जैसे मान के चलो कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम लोग बात करें, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितनी भी पढ़ाई वगैरह होती है, ठीक है, जो वहाँ के स्टडी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ के जो रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ की जो अटेंडेंस होती है, ठीक है, वहाँ के जो फीस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में या फिर स्टैंडर्ड वहाँ का मेंटेन किया जाता है, ताकि
जब उसका ऑडिट हो तो हम लोग रियल चीजें वहां दिखा सके, ताकि जो हमारा रेपुटेशन है वो बना रहे, ठीक है। इसलिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जो कॉलेजेस वगैरह है आईएसओ सर्टिफाइड लेके रखते हैं, ठीक है। हमारा कॉलेज भी जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड है। आईएसओ इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी कंपोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोमलगेट्स वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टी इंडस्ट्री एंड कमर्शियल स्टैंडर्ड, ठीक है। जितने भी इंडस्ट्री होती है या फिर कमर्शियल है, ठीक है, सबके लिए मान के चलो जरूरी टाइप का होता है। आईएसओ मेन प्रोडक्ट्स आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आईएसओ का काम ही होता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाता है, ठीक है। आईएसओ पब्लिश टेक्निकल रिपोर्ट्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशंस, टेक्निकल कोरिगंडा एंड गाइड्स, ठीक है। तो आईएसओ जो है बहुत सारी चीजें पब्लिश करता है, जैसे कि टेक्निकल रिपोर्ट्स है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशंस है जो कि पब्लिक को अवेलेबल रहता है। जैसे कि हम लोग को कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, जैसे गवर्नमेंट का प्रोडक्ट्स होता है, कुछ योजना होती है, ठीक है, वो सारे उसके स्पेसिफिकेशन मतलब उसके बारे में जो जानकारी होती है कि जैसे मान के चलो कोई एक फॉर्म आया तो फॉर्म कैसे भरा जाता है, ठीक है। तो उस फॉर्म को भरने के लिए पूरी जानकारी जो होती है उसको भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। टेक्निकल कोरिगेंडा होता है, मतलब कुछ अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने वाला है तो उसका एक प्री प्लान्ड यहाँ पे पहले एक मॉडल क्रिएट किया जाता है, प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है, उसका भी कुछ ना कुछ टेक्निकल कोरिगेंडा यहाँ पे होता है, ठीक है। और जो गाइड्स वगैरह होती है वो भी आईएसओ सर्टिफाइड आती है, या फिर बुक्स वगैरह आती है वो भी आईएसओ सर्टिफाइड हम लोग को मिलती है। तो आईएसओ जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसे उस ऑर्गेनाइजेशन में बनने वाले प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज जो होते हैं उनकी क्वालिटी को डिफाइन करता है। आईएसओ जो सर्टिफाइड उसी को मिलता है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जैसे एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ को भी आईएसओ सर्टिफाइड मिलेगा, ठीक है। जैसे कॉलेजेस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबसे ज्यादा इन लोग यूज करते हैं क्योंकि इससे पब्लिक को इससे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। कुछ एजुकेशन हो रहा है या फिर कुछ योजना मिल रहा है, कुछ या फिर जैसे फ्री में बुक्स बांटते हैं, ठीक है, बुक पब्लिश करना है, सब चीज़ आईएसओ सर्टिफाइड होता है ताकि उसके स्टैंडर्ड मेंटेन रह सके। नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमारा ईआईए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अलियांस वॉज स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंपोज इन अलायंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। जनरली जो ईआईए जो है एक ऐसा स्टैंडर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। जैसे सीधी सी बात है, रेडियो हो गया, टेलीविजन जो हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आगे, दे डेवलप स्टैंडर्ड टू एंश्योर द इक्विपमेंट ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स वाज कंपैटिबल एंड इंटरचेंजेबल, ठीक है। ये उनके लिए स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं जो कि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट आज के डेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आते हैं, डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इसके, ठीक है, जो कुछ पार्ट्स बनाते हैं या पूरा पार्ट्स बनाएंगे या फिर असेंबल करके बनाएंगे, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी मोड पे या फिर कुछ अलग तरीके से भी बनाया जाता है, ठीक है। तो सबके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड कौन बनाता है? सबके लिए यहाँ पे कौन बनाएगा? ईआईए बनाता है, ठीक है। इन 1924 1924 एसोसिएटेड रेडियो मैन्युफैक्चरर्स अलायंस वाज फॉर्म्ड, व्हिच वाज रीनेम्ड टू रेडियो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द सेम ईयर। अपकमिंग न्यू इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज ब्रॉट न्यू मेंबर्स एंड फर्दर नेम चेंजेस, ठीक है। इसके नाम बहुत सारे चेंजेस किए गए, ठीक है, एसोसिएटेड रेडियो एसोसिएशन, फिर उसका रेडियो टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे नाम इसके चेंज किए गए, ठीक है। तो जनरली इस टाइप का स्टैंडर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो बनाते हैं उनके लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं।
कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग ETSI, ठीक है, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। द यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इज एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ये इन यूरोप विद द वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्शन ETSI हैज बीन सक्सेसफुल इन स्टैंडर्डाइजेशन द लो पावर रेडियो शॉर्ट रेंज डिवाइस GSM सेलफोन सिस्टम एंड द टेट्रा प्रोफेशनल मोबाइल रेडियो सिस्टम। ठीक है, ETSI जनरली यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, जनरली उसको वर्ल्ड वाइड यूज़ नहीं किया जाता है, और जनरली यूरोपियन जो कंट्रीज है वहीं पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज जो है वहीं पे यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि जो लो पावर रेडियो होते हैं, ठीक है, शॉर्ट रेंज डिवाइसेस होते हैं जैसे ब्लूटूथ वगैरह हो गए, ठीक है, इंफ्रारेड हो गया, ठीक है, या फिर जो वाईफाई होते हैं 802.11 IEEE, ठीक है, तो ये सारे चीज़ों के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है ETSI स्टैंडर्ड। ठीक है, सिग्निफिकेंट ETSI स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज इंक्लूड स्पैन फॉर फिक्स नेटवर्क एंड इंटरनेट मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ETSI इंस्पायर्ड द क्रिएशन एंड इज अ पार्टनर इन 3GP, ठीक है, 3GPP। जनरली यहाँ पे जो फिक्स नेटवर्क होते हैं, जो इंटरनेट मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन किए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर टू कंप्यूटर या फिर कोई मोबाइल टू मोबाइल, इस टाइप से तो कोई भी यहाँ पे जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसके लिए स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो जो ये टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, टेलीकम्युनिकेशंस, ब्रॉडकास्टिंग और उसी से रिलेटेड एरियाज, ठीक है, जैसे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन है या फिर मेडिकल इंटरप्राइज, तो इनके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनाया गया है। ठीक है, तो जनरली ये वर्ल्ड वाइड यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसको यूरोपियन कंट्रीज में यूज़ किया जाता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज का रोल थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो इस टाइप का स्टैंडर्ड जो है जनरली यूरोपियन कंट्रीज में ही यूज किया जाता है। पीसी या फिर वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम हम लोग इसको बोलते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाती है वेब के लिए। ठीक है, वेब के लिए मतलब इंटरनेट के लिए, इंटरनेट में किस टाइप का कंटेंट होगा, किस फॉर्मेट में कंटेंट होगा, उसका फॉन्ट क्या होगा, उसका जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं HTML वगैरह का, जो प्रोग्रामिंग्स होंगी उसकी उसकी क्या स्टैंडर्ड्स होगी, उसके लिए यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम बनाया गया, जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के लिए ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स जो है वो बनाते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम इज द मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड वेब, एब्रीवेटेड WWW और W3 इसको बोलते हैं। ठीक है, कौन फाउंड किया था इसको, टिम बर्नर्स ली इसको सबसे पहले यहाँ पे बनाए थे। ठीक है, द कॉन्सोर्टियम इज मेड अप ऑफ मेंबर ऑर्गेनाइजेशन विच मेंटेन फुल टाइम स्टाफ फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग टुगेदर इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए मतलब जो इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं उसके लिए यहाँ पे उन्होंने एक टीम बनाई थी, ठीक है, जिसमें वो काम करते थे। ठीक है, लगभग 322 मेंबर्स है इसमें, और भी अभी बढ़ गए हैं। ठीक है, W3 से ऑल्सो एंगेजेस इन एजुकेशन एंड आउटरीच, डेवलप सॉफ्टवेयर एंड सर्व्स एज ए ओपन फोरम फॉर डिस्कशन अबाउट द वेब। ठीक है, W3C जो है अभी एजुकेशन के फील्ड में या फिर आउटरीच के फील्ड में भी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसके लिए भी अपने जो स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, वेब सॉरी W3C वॉज क्रिएटेड टू एंश्योर कंपेटिबिलिटी एंड एग्रीमेंट अमॉन्ग द इंडस्ट्री मेंबर्स इन द अडॉप्टेशन ऑफ न्यू स्टैंडर्ड्स। ठीक है, W3C जनरली जो कंपेटिबिलिटी होती है या फिर जो एग्रीमेंट बनते हैं किसी भी यूजर्स के और इंडस्ट्री के बीच में, ठीक है, तो यूजर्स के और इंडस्ट्री के बीच में जो भी कंपेटिबिलिटी होती है मतलब बातचीत जो होती है उसको भी यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है।
है, प्रायर टू इट्स क्रिएशन इन कंपेटिबल वर्जन ऑफ एच टी एम एल वेयर ऑफर्ड बाई डिफरेंट वेंडर्स इंक्रीजिंग द पोटेंशियल फॉर इनकंसिस्टेंसी बिटवीन वेब पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई भी वेब क्रिएट होता है मतलब वेबसाइट क्रिएट होती है, तो वहाँ पे जो एच टी एम एल के वर्जन होते हैं, वर्जन 4, वर्जन 5, ठीक है वर्जन 7 तक अभी आ गया है, ठीक है, वो एच टी एम एल के जो टैग्स वगैरह है डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स बनाते हैं उसमें, मतलब तो अलग अलग लोग बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाती है, ठीक है, तो वो सब क्या है, उसमें भी जितने भी वेब पेजेस है सब में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब एक ही जैसा डेटा वहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब जो रेंडरिंग होती है वेब ब्राउजर पे वो सारा एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। द कंसोर्टियम वॉज क्रिएटेड टू गेट ऑल दोज वेंडर टू एग्री ऑन ए सेट कोर प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट विच वुड बी सपोर्टेड बाई एवरी वन। ठीक है, जो यहाँ कंसोर्टियम बनाया गया है और जो यहाँ पे वेंडर्स है जो भी एच टी एम एल के या फिर जैसे बूटस्ट्रैप है, पी एच पी है, एसपी डॉट नेट है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो है वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल्स बनाए गए, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स है जो सभी के लिए एक जैसा होता है, मतलब उसको सभी सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो जनरली W3C जो है वो क्या करता है, वेब के लिए मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो स्टैंडर्ड्स वाला टॉपिक जो है, प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स, वो कंप्लीट हो जाता है।